देखो सरकार की गोरनी तक टिक चुकी है कि जिहड़ी ईगो है उहनू अजे बचा के छुपा के रखना चाहुंदी है सरकार और उपाला च रख नहीं सकूगी। जे असीं कल च पवांगे लड़ाई नहीं जित सकांगे। लड़ाई जितनी है तो 98 नाल पैर कढ के लड़ना पैणा। लखे ने एक जिहड़ी कॉन्फ्रेंस की कट किया उस कट च बड़ा क्लीयर किया है कि मेरा किसान जथेबंदियों का कोई फर्क नहीं और जथेबंदियों के हक च बोलिया है। असी सारे बोल रहे हैं, साढ़े बच्चे भी मतलब लगभग फैसले हो चुके ने। अज भी कहा तो कल नू भी कहूँगा कि लखा साडा है, लखा कोई विदेशी नहीं है, लखे नू कोई गल नहीं है जी। तुसी देख रहे हो पंजाबी लोग चैनल ते, मैं हाँ संजीव गोयल। अज महासम्मेलन जिहड़ा हैगा चट्ठा ननेड़ा दी धरती ते होण जा रहा है। किसान आगू वड्डे लीडर जगजीत सिंह डल्लेवाल साडे नाल ने, गलबात करांगे। प्रधान जी, वड्डा सम्मेलन है जिहड़ा अज होण जा रहा है, किस तरह देखदे हो? देखो ये जिहड़े सम्मेलन हो रहे ने, ये सम्मेलन एक विलक्षण सम्मेलन है। एक तो किसान जथेबंदियां लोगों को कट्ठे कर दिया होंगे और इतने लोग कट्ठे हो रहे हैं, किसानों को सद रहे हैं, जथेबंदियों को समझ रहे हैं। तो मैनू ऐ लगता है कि ये एक समझ आ रही चाहती है कि अवेयरनैस है लोगों के अंदर और अंदोलन समझना चाहते हैं लोग और वो समझने वास्ते इतने लोग आए हैं। जिस तरीके से साड़ियाँ बड़ी बड़ी गिनती साड़ियाँ भैन बैठी ने वो सब इस गल समझना चाहदियां ने। सो ये बहुत संजीदगी वाला महासभा है, महासम्मेलन है और जिदे विचों असी बहुत कुछ मतलब कढ के ले जावांगे। इस तरह देख दो लंबा समा हो गया दिल्ली दे विच बैठे नूं, जिस तरह इस तरह पिंडां दे विच संघर्ष होण लग गए कि लगता कितें ना कितें सरकार दे जिहड़ा हैगा गोड़नी टिकेगी सरकार। देखो सरकार की गोरनी तक टिक चुकी है। सरकार वालों यह कह देना कि बड़े कट्ठ भीड़ा नाल कानून रद्द नहीं होंगे एक गल, तो सीनियर लीडरशिप वालों किसानों के पक्षा पक्ष बयान देने शुरू कर देने, ये गोडी टिकनी टिकी हुई गुड़नी का ही निशाना है। लेकिन यह जरूर है कि जिहड़ी ईगो है उहनू अजे बचा के छुपा के रखना चाहती है सरकार और उपाला च रख नहीं सकूगी। जिस तरह अंदोलन देश च फैल रहा है भी इन्हों की ईगो भी खत्म हो जूगी और इन्हों मनना पैना, एक कानून रद्द करने पैना। इस तरह आप देखते सी सरकार नाल मीटिंगां दा दौर सीगा जिहड़ा उह जारी सीगा, पर हुण लंबे समय तो जिहड़ा हैगा गैप पिया होया किसानां ते सरकार दे विच। कोई दोबारा कोई इस तरह की कोई प्लानिंग जां कोई चिट्ठी आई जिहड़ी हैगी दूर मीटिंग करने वास्ते? अजे तक कोई चिट्ठी नहीं और जिहड़े असीं अंदोलन कर रहे हां सानूं माइंड इन्ना तकड़ा करना पैना चाहीदा है कि सरकार नहीं सदी तो ना सदे। असीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अंदोलन कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं भी सरकार सवेरे भी साडे नाल गल करे परसों। जे असीं कल च पवांगे लड़ाई नहीं जित सकांगे। लड़ाई जितनी है तो 98 नाल पैर कढ के लड़ना पैना और जितांगे। जे आपां गल कर लईए लंबे समय दी, संघर्ष लंबा चल रहा है पर लेकिन कितें ना कितें आपां नूं नुकसान भी तो बहुत सारा हो रहा है, किसानां दीआं मौतां हो रहीयां ने। जां फिर गल कर लईए जिवें बीजेपी दे लीडरां दे उप्पर हमले हो रहे ने, उस चीज़ नाल भी बैकफुट जा रही है? देखो अंदोलन जो लंबा चल रहा है उदों कितें ना कितें ये तो सुभाविक है कि शहादतां भी होंदियां होंदियां वो हो रही हैं, जिदे तो सरकार बिल्कुल मूक दर्शक बनी हुई है। इस तो भी कहां बीजेपी की एक यतन है, बीजेपी के कुछ लोगों की कोशिश है कि इस हालात को खराब करके पंजाब दे नूं और अंदोलन जिहड़ा उत्थे चल रहा है उस अंदोलन को मोड़ के पंजाब च लिया जा सके और ये साडी सियाणप है कि असीं इहनूं उत्थे टिका के रखना, इहनूं असीं इत्थे इहनां नूं सफल नहीं होंदे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां ने जिहड़े सख्त दिशा निर्देश दे दित्ते ने भी जेकर अही कोई घटना होंदी है तां उहनां दे उत्ते परचे पाए जाण तां उहनां नूं गिरफ़्तार किया जाए, किस तरह देखदे ने? अंदोलनकारियों नूं गिरफ़्तारियों का डर होएगा जे तो अंदोलनकारी अंदोलन नहीं कर सकते। जेल आ जिहड़ी वो साडा शिंगार है, जेल दे विच्चों असीं कुछ ना कुछ कढ के आके जावांगे और जेलां दे विच ही साडी फतेह है, कोई इहो जिही गल नहीं। कित्थे खड़े जी आपां संघर्ष की गल कर लईए, संघर्ष खड़े कित्थे हैगा फिलहाल?
संघर्ष बहुत तेजी नाल अगे वध रहा है और दिनों दिन अगे वधेगा। तुसीं देखो क्योंकि अज पूरे पूरे हिंदुस्तान दे विच अंदोलन फैल गया, कल्ले हिंदुस्तान च ना कहो, अज बंगाल दे विच विरोध होया है, पछमी बंगाल च डब के विरोध हो रहा है और इधरों का बंगलादेश दे विच विरोध हो गया। उत्थे अगले भावें चार लोगों की मौत हुई लेकिन फिर भी ये तुसीं देखो कि सरकार नूं बेशर्म हो चुकी है, सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं है, लेकिन सरकार नूं बहुता लंबा समा है बेशर्मी धारण कीतियां, सरना नहीं, अखीर सरकार नूं झुकना पैना, मंग मननी पैनी जी। आपां पिंडां दे विच इस तरह सम्मेलन करन लगे, मेरा ख्याल है कि दिल्ली नालों भी वध जिहड़ा हैगा इकट्ठ पिंडां दे विच होण लग रहेगा, कि लगता कितें वड्डा जिहड़ा हैगा संघर्ष नूं उह लारा मिलेगा इस नाल। सब तो पहली गल तो यह कि ये साड़ी पब्लिक कुछ पढ़ेगी, कुछ सीखेगी, अंदोलन नूं किवें जितना है, किवें लड़ना है, ये सीखना बहुत जरूरी है और उन्हूं सीखेगी साड़ी जनता है। और एक डिसिप्लिनड फोर्स असी पैदा कर रहे हैं और वो डिसिप्लिनड फोर्स हमेशा लड़ाई जितती है और लड़ाई जितांगे। जे आप लखे सिधाणे होरां दी गल कर ली, कई बार जी है उन्होंने वीडियो भी आई हैगी कि मैनू बुलाया नहीं जाता है, किसानों वालों स्टेज से नहीं बुलाया जाता, कई बार किसानों की वीडियो भी आई ने कि लखा साडा पुत है, लखा साडे नाल है, पर लेकिन किसान जिहड़े हैगे उस स्टेज से क्यों नहीं लैके आ रहे? देखो ये खासा कुछ है, इनू मैं कहूँगा कि लखे ने एक जी कॉन्फ्रेंस की इकट्ठ किया, उस इकट्ठ च बड़ा क्लीयर किया है कि मेरा किसान जथेबंदियों ना कोई फर्क नहीं, और वह जथेबंदियों के हक च बोलिया है, असी सारे बोल रहे हैं, साढ़े बच्च भी मतलब लगभग फैसले हो चुके ने, लेकिन संयुक्त मोर्चा एक खासा बड़ा मोर्चा है, देश लैवल का मोर्चा है, असी चाहते हैं कि ये सांझ ऐसी बने जिहड़ी किसी थां दे उत्ते किसी एक भी आदमी नूं नाराज़ होने का मौका ना दे, एक एक नूं नाल लैके चलना है, तो इस करके थोड़ा जिहा संजम दे नाल संयुक्त मोर्चे नाल विचार चर्चा करके आपां अगे चलांगे और ये मसला हल करांगे। लखा कमां कल भी कहा, अज भी कहा, तो कल नूं भी कहूँगा कि लखा साडा है, लखा कोई विदेशी नहीं है, लखे नूं कोई गल नहीं है जी, और आने वाले दिनों दे विच सारा पंजाब दे लोक है जिहड़े ओह एकजुट होणगे। आने वाले दिनों दे विच की दिल्ली दी स्टेज उपर लखे नूं देखणगे लोक? नहीं, मैं तुहानूं स्पष्ट यह गल कहां कि होएगा। देखो कुछ गल्लां संयुक्त मोर्चे च बैठ के होने वाली हैं ना, जिहड़ियां वो उत्थे बैठ के विचार कीते तो बगैर इत्थे बोल कुछ बोलना मैनूं लगदा वाजब नहीं हुंदा। सो बिल्कुल ये सन जगजीत सिंह डल्लेवाल जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कुछ ही दिनों के जिहड़ा है सोच विचार के, जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि सोच विचार के जिहड़ा है लखे सिधाणे होरां जिहड़ा है संयुक्त मोर्चे के लैके आंदा जाएगा, और लेकिन उन्होंने यह भी गल कही है कि जिते बीजेपी के कुछ लीडर ने उन्हों का विरोध हो रहा है वो विरोध बिल्कुल हो रहा है क्योंकि जायज़ है, क्योंकि किसानों के जिहड़े है संघर्ष को ढा लाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के वल्लों। अज का यह संयुक्त मोर्चा जिहड़ा सफल होंदा नज़र आ रहा है क्योंकि वड्डे किसान आगू जिहड़े इत्थे पहुंचे ने, नाल ही कलाकार भी पहुंचे ने। पंजाबी लोक चैनल के लिए संजीव गोयल संगरूर।